आयुषी नेगी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। निकाय की चुनावी लड़ाई जैसे जैसे अपने अंतिम दौर की तरफ बढ़ रही है, सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो भाजपा सपा पर प्रचार ना करने को लेकर हमला बोल रही थी, उसे अखिलेश ने अपने रोड शो का ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया है कि सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है। क्योंकि न सिर्फ अखिलेश बल्कि उनकी पत्नी डिंपल और चाचा शिवपाल भी जमकर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन सपा का ये प्रचार क्या भाजपा को टक्कर दे पाएगा? क्योंकि सीएम योगी ने कोई ऐसा निगम, कोई ऐसा गढ़ नहीं छोड़ा जहां उन्होंने प्रचार ना किया हो। वह इन सबके बीच बात होगी उपचुनाव के उस महासंग्राम की जिसके प्रचार का शोर थम गया है। लेकिन सवाल बड़ा है कि उपचुनाव के इस जंग में क्या सपा भाजपा गठबंधन को टक्कर दे पाएगी। वही बात होगी सीबीआई के अफसर से अतीक के उस दोस्ताने की जिसने सियासी भूचाल ला दिया है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात निकाय के महायुद्ध में अखिलेश की हुंकार, रोड शो वाले शक्ति प्रदर्शन से बनेगी सरकार। क्योंकि एक दिन में दो रोड शो करके अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। अखिलेश यादव ने एक रोड शो जहां अलीगढ़ में किया तो दूसरा रोड शो मेरठ में किया। ये दोनों ही निगम उस वक्त बसपा के कब्जे में है, लेकिन अखिलेश ने जिस तरह से ताकत लगाई है उससे अब निकाय की लड़ाई तीन मोर्चों पर होती नजर आ रही है। निकाय के महायुद्ध में अखिलेश की हुंकार, रोड शो वाले शक्ति प्रदर्शन से बनेगी सरकार। बसपा के गढ़ में भाजपा को चुनौती, क्या पश्चिम में इस बार त्रिकोणीय जंग होगी? जो लोग निकाय की चुनावी जंग में अखिलेश के प्रचार न करने पर सवाल उठा रहे थे और निगम की लड़ाई से सपा को बाहर बता रहे थे, उन सबको अखिलेश ने अपने धुआंधार रोड शो से ऐसा जवाब दिया कि पश्चिमी यूपी का पारा चढ़ गया। विधानसभा चुनाव के बाद ये पहली बार था जब अखिलेश को देखने, उन्हें सुनने इतनी भीड़ पहुंची थी। अखिलेश यादव के आने के बाद यहाँ जो पूरा जो कहा जाए जो माहौल है वो अब त्रिकोणीय हो चुका है। बीएसपी पहले से इस समय निवर्तमान उनका मेयर है, बीजेपी दोबारा से सीट को छीनना चाहती है और अखिलेश यादव इस सीट पर साइकिल दौड़ाना चाहते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार भीड़, लगातार कार्यकर्ताओं को जो उत्साह है, जो समाजवादी पार्टी के जो झंडे हैं वो आप देख सकते हैं किस तरीके से जबरदस्त इस समय जो उत्साह इस समय कार्यकर्ताओं को देखने को मिल रहा है। और ऐसे में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, बड़ी संख्या में भीड़ है और अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि कैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साइकिल की अपील की जाए। अखिलेश यादव ने एक रोड शो जहां अलीगढ़ में किया, वही दूसरा रोड शो मेरठ में किया। इन दोनों नगर निगम पर इस वक्त बसपा का कब्जा है, लेकिन जिस तरह से अखिलेश ने पूरी ताकत झोंक दी है उससे अब इन दोनों नगर निगम पर लड़ाई त्रिकोणीय होती नजर आ रही है। सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, उसका जवाब क्या है? अपना झूठ सच हो जाए उसके लिए अमेरिका की एक कंपनी हायर कर ली, डेलॉयट। लेकिन जनता जिस तरीके से नाराजगी दिखा रही है, बीजेपी के डबल इंजन और ट्रिपल इंजन को इस बार उखाड़ फेंकेगी। और लग तो ये रहा है कि डबल इंजन जो बोल रहे हैं, इंजन आपस में टकरा रहे हैं एक दूसरे। अखिलेश यादव ने मेरठ में ताल ठोक कर कहीं ना कहीं बीजेपी और बीएसपी की टेंशन बढ़ाने का काम किया है। और जिस तरीके से पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी कि अखिलेश यादव जब रोड शो करेंगे तो कहीं ना कहीं सियासी हवा भी बदलेगी और इस सियासी हवा के जो मायने हैं वो बहुत दूर तक जाएंगे। अब अखिलेश यादव का ये रोड शो कितना समाजवादी पार्टी के चुनाव को मजबूती प्रदान करेगा ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव की एक झलक पाने के लिए, अखिलेश यादव को एक बार देखने के लिए, अखिलेश यादव पर फूलों की वर्षा करने के लिए किस तरीके से यहाँ समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम सिपाही किस तरीके से यहाँ उत्साहित नजर आ रहे हैं। अखिलेश ने जहाँ रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया, वहीं भाजपा पर हमलों की झड़ी लगा दी। अखिलेश यादव सफाई से लेकर गंदगी और बिजली पानी तक के मोर्चे पर सरकार को घेरते नजर आए। मुख्यमंत्री से पूछो कूड़ा कहाँ है, कूड़ा का निस्तारण क्या? बोला तमंचा। बोला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा? बोला तमंचा। ये शहरों में महंगाई है? बोला तमंचा। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि बेसिक सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए
और अगर सुविधाएं नहीं सरकार दे पा रही है तो इतना हाउस टैक्स क्यों, इतनी बिजली का रेट क्यों, और फिर कौन सा शहर बचा है जहां पर सड़कों का ट्रैफिक का इंतजाम सांड ना देख रहे हो। लेकिन जितनी चर्चा अखिलेश यादव के रोड शो की थी उतनी ही चर्चा उनके रोड शो में आए बुलडोजर की रही, क्योंकि जब अखिलेश अलीगढ़ में अपने प्रत्याशी हाजी जमीरुल्लाह के लिए वोट मांग रहे थे तो उनके रोड शो में बड़ी तेजी के साथ बुलडोजर भी दौड़ रहे थे। वैसे ऐसी ही तस्वीर हाल ही में कर्नाटक में भी दिखाई दी थी, जब अखिलेश कर्नाटक पहुंचे थे तब उनकी रैली में इसी तरह बुलडोजर खड़े थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश मेरठ और अलीगढ़ में साइकिल में हवा भर पाएंगे, क्योंकि इन दोनों ही सीटों पर सपा को रालोद के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मौजूदा हालात को देख नहीं लगता कि रालोद सपा की वो मदद कर पाएगी जो उसने विधानसभा चुनाव के वक्त की थी, क्योंकि पहले जयंत और अखिलेश की ज्वाइंट रैली की बात कही जा रही थी, लेकिन ज्वाइंट रैली तो दूर, जयंत चौधरी की सिंगल रैली भी अभी तक देखने को नहीं मिली। वहीं अखिलेश यादव के सामने एक बड़ा सवाल मेरठ में शुरू हुई बगावत का भी है, क्योंकि अखिलेश के सामने तो सपा की पूरी ब्रिगेड एकजुट नजर आई, लेकिन सपा के कई बड़े नेता अतुल प्रधान के रवैये से खुश नजर नहीं आ रहे, जिन्होंने प्रचार तक से दूरी बना रखी है। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या सपा मेरठ में अपना खाता खोल पाएगी, क्योंकि 25 साल से मेरठ की सीट भाजपा और बसपा के बीच घूमती रही है, जबकि अलीगढ़ में सपा आज तक अपना खाता नहीं खोल पाई है। अलीगढ़ से नितिन उपाध्याय और मेरठ से सनुज शर्मा, एबीपी गंगा। पंचायत निकाय की लड़ाई अंतिम दौर में आई, विरोधियों को योगी ने ताकत दिखाई। निकाय के चुनावी जंग में जितना जोर सीएम योगी दिखा रहे हैं उतना दूसरा कोई नहीं दिखा रहा। वो एक दिन में चार चार रैली कर रहे हैं और अब तक करीब करीब यूपी के हर एक निगम को नाप चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या उनकी मेहनत भाजपा को नगर निगम की सभी 17 सीट जिता पाएगी, क्योंकि भाजपा निकाय की इस लड़ाई को 24 का सेमीफाइनल मानकर लड़ रही है। योगी की ट्रिपल इंजन वाली हुंकार, शहर में बनेगी किसकी सरकार। निकाय की लड़ाई अंतिम दौर में आई, विरोधियों को योगी ने ताकत दिखाई। 2017 में जब निकाय चुनाव हुआ था तब 16 नगर निगम में से 14 को भाजपा ने जीता था, लेकिन इस बार भाजपा नगर निगम की सभी 17 सीट को जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसे हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि जहां दूसरे दल के नेता एक दो रैली करके थक जा रहे तो सीएम योगी बैक टू बैक रैली करते जा रहे और एक दिन में अवध से पूर्वांचल तक नाप दे रहे। सीएम योगी ने सोमवार को अयोध्या, बाराबंकी और मिर्जापुर में 3 रैलियां की और हर रैली से विरोधियों पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा, जो कचरा सपा और बसपा ने यूपी में फैलाया था भाजपा उसे साफ कर रही है। उनके द्वारा इस प्रकार के हल्के शब्दों का इस्तेमाल करना, और भाइयों बहनों, वह तब जब उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोग नगरीय जीवन में निवास करते हैं, नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, ये इन 6 करोड़ लोगों का अपमान है, इन मतदाताओं का अपमान करने का प्रयास हो रहा है। एक कोड़ा नहीं, ये सपा बसपा के कचड़े को साफ करने का चुनाव है, उनकी गंदगी को सफाई करने का, उनकी अराजकता को, उनकी अवसरवादिता को साफ करने का चुनाव है। और इसीलिए इस सफाई अभियान के साथ हम लोगों ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन का अभियान भी चलाया। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने माफिया और अपराधियों को संरक्षण देने को लेकर भी सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा और 2017 से पहले का पूरा आंकड़ा जनता के सामने रख दिया। आज कोई अपराधी और कोई माफिया सीना तान करके नहीं चल सकता, रंगदारी की बात तो बहुत दूर है, आज वो सीना तान करके नहीं चल सकता है, क्योंकि उसे मालूम है जैसे ही सड़कों पर सीना तान करके चलेगा तो पुलिस उसका इंतजार कर रही होगी, और आज वह गले में पिछले तकती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ दिखाई देता है, आज किसी व्यापारी और किसी शरीफ व्यक्ति को छेड़ने का प्रस्ताव नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आज पहले वो बाराबंकी गए, फिर मिर्जापुर गए और उसके बाद मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि आज पूरे देश और दुनिया की निगाहें अगर किसी चुनाव पर हैं, किसी क्षेत्र पर हैं, तो वो अयोध्या है,
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीते 6 वर्षों में अयोध्या के जो साधु संत हैं उनका सम्मान पूरे देश में बढ़ा है और ये उन्हें काफी अच्छा लगता है। दरअसल दूसरे चरण की लड़ाई भाजपा के लिए पहले के मुकाबले थोड़ी मुश्किल है। कई ऐसी सीटें हैं जहां सपा और बसपा उसे कड़ी टक्कर दे रही हैं, लेकिन सीएम योगी अपने विरोधियों को रंग जमाने का कोई मौका नहीं देना चाहते। वो अपने भाषण से, अपने प्रचार से ऐसी हवा बनाने की कोशिश में जुटे हैं जैसे भाजपा के सामने कोई खड़ा ही ना हो, और इसमें उनके साथ यूपी के कई मंत्री, सांसद और विधायक भी खड़े नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी 760 निकाय जहां चुनाव हो रहा है जी, जी। उन सभी निकायों पे अपना कमल का फूल खिलाने जा रही है। विपक्षी दलों ने घरों से निकल करके ही कहीं संपर्क नहीं किया है। हर स्थिति में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सोनभद्र में बीजेपी प्रचंड बहुमत से आ रही है। अब देखिए अखिलेश यादव तो उनके पास कोई काम तो है नहीं, न उनके पास जनता को बताने के लिए कुछ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जिस तरीके से कानून का राज स्थापित हुआ है, गुंडे माफिया सर उठाकर नहीं चल सकते हैं उत्तर प्रदेश में। इसमें कोई शक नहीं कि जितनी मेहनत इस निकाय चुनाव में सीएम योगी ने की उतनी उससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने नहीं की, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या उनकी मेहनत भाजपा को नगर निगम की सभी 17 सीट जिता पाएगी, क्योंकि भाजपा निकाय की इस लड़ाई को 2024 का सेमीफाइनल मानकर लड़ रही और 2024 में भाजपा अपने मिशन 80 के कितने करीब पहुंचेगी इसका बहुत कुछ इसी निकाय चुनाव पर टिका है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पाट कानपुर के संग्राम में उतरी डिंपल, साइकिल की राह होगी सिंपल। निकाय के युद्ध में डिंपल यादव किसी से कम नहीं दिख रही है, क्योंकि आज जब अखिलेश मेरठ और अलीगढ़ में रोड शो के जरिए पश्चिम का मिजाज गर्म कर रहे थे, तभी डिंपल कानपुर में सपा प्रत्याशी वंदना वाजपेयी के लिए वोट मांग गई। वहीं डिंपल से कुछ किलोमीटर दूर कानपुर देहात में शिवपाल भी रोड शो कर रहे थे। मतलब सपा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन मोर्चों पर भाजपा को टक्कर दे रही है। कानपुर के संग्राम में उतरी डिंपल, साइकिल की राह होगी सिंपल। शिवपाल ने संभाली कमान, समाजवादी खेमे में फूंकी जान। निकाय के चुनावी संग्राम में जहां एक तरफ अखिलेश पश्चिमी यूपी में मोर्चा संभाले हैं, तो वहीं डिंपल यादव ने कानपुर में रोड शो कर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी। डिंपल यादव का रोड शो कानपुर के किदवई नगर चौराहे से शुरू हुआ, जो यशोदा नगर बाईपास पर जाकर खत्म हुआ। इस दौरान डिंपल यादव के साथ सपा की मेयर पद की प्रत्याशी वंदना वाजपेयी, सपा विधायक रागिनी सोनकर और सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह मौजूद थी। पूरे रोड शो के दौरान डिंपल कार्यकर्ताओं में जोश भरती रही। बहुत मजबूती से लड़ रही है, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कानपुर के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने बहुत काम किया है, और जनता इस बात को समझ रही है कि मौजूदा सरकार जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जहां कानपुर पिछले 7 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है नगर निगम बने हुए कानपुर को, और लगातार यहाँ से भाजपा जीतती आ रही है, लेकिन आप इस बार बड़ा फेरबदल देखेंगे और आने वाले परिणाम मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी की जो हमारी प्रत्याशी है वंदना जी, इनको भरपूर लोग निकल के वोट डालेंगे और उन्हें बहुत ही भारी बहुमत से जिताएंगे। इस बार कानपुर में सपा ने पूरी ताकत लगा दी है, क्योंकि एक तरफ डिंपल यादव प्रचार कर रही तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव भी मैदान में उतर आए हैं और खूब पसीना बहा रहे हैं। और अब डिंपल और शिवपाल के बाद खुद अखिलेश भी मंगलवार को कानपुर में प्रचार करने वाले हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं इनके विभागों में तो उनके पास कोई काम है नहीं है, पूरा देखा ही है आपने, बजट वापस कर देते हैं और विभागों में चल नहीं रही, ट्रांसफर पोस्टिंग कुछ कर नहीं सकते, कार्रवाई कर नहीं सकते हैं, तो केवल अब जा रहे हैं जनता के बीच। सपा को लग रहा है कि कानपुर में साइकिल दौड़ाने का ये सबसे अच्छा मौका है, और काफी सोच समझकर उसने आर्य नगर से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की पत्नी वंदना वाजपेयी को मैदान में उतारा है। आपने आशीर्वाद
डिंपल यादव के साथ लिया ईश्वर का, आपको क्या उम्मीद? मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, भगवान की शरण में आई है हम लोग फाइनली, वैसे भी थे और हमको पूरा विश्वास है हम लोग जीत के आएंगे। डिंपल यादव ने आज कानपुर की सड़कों पर रोड शो किया और समाजवादी पार्टी के अपने प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटाने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने आज डिंपल यादव पर पुष्प वर्षा करके उन्हें ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी जनता के बीच जा रही है और उन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही है जिनसे उन्हें अपार जनसमर्थन मिले। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने आज 3 कार्यकर्ता सम्मेलन किए और कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की। आपको बता दें कि कानपुर की मेयर सीट पर पिछले 2 दशक से सवर्णों का कब्जा रहा और इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए सपा, भाजपा और कांग्रेस सब ने ब्राह्मण काट चल दिया। दरअसल कानपुर के कई इलाके ऐसे हैं जहां ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, जो जहां वोट करते हैं पलड़ा उधर ही झुक जाता है। यही सोचकर भाजपा ने दोबारा कानपुर में निवर्तमान मेयर प्रमिला पांडे को मैदान में उतारा है। कलयुग है, कलयुग में अगर हर आत्माओं को उन्नत करना है तो कर्मों की समीक्षा करना चाहिए। इसलिए चाहे अखिलेश जी आए चाहे कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि योगी जी की जो तपस्या है और आदरणीय मोदी जी की जो तपस्या है उसको ये लोग नहीं पा सकते हैं। तो इस नाते जब ये पवित्र धारा है तो जो पाप की धारा है उसको जनता अब नहीं स्वीकार करेगी। कानपुर की सियासी फिजाओं में इस वक्त कूड़ा, अतिक्रमण, रेहड़ी पटरी, पानी की किल्लत और हाउस टैक्स से लेकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे कई मुद्दे हावी हैं। लेकिन किस मुद्दे का सबसे ज्यादा असर होगा ये देखना होगा, क्योंकि प्रचार के महायुद्ध को खत्म होने में अब सिर्फ 1 दिन का वक्त बाकी है, उसके बाद जनता के फैसले की बारी है। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। बात थम गया, चुनाव में प्रचार का शोर वोट से तय होगा हवा का रुख किस ओर, क्योंकि स्वार और 96 विधानसभा पर उपचुनाव का प्रचार खत्म हो गया है। जिसने जितना जोर लगाना था वो लगा लिया है और अब फैसला जनता को करना है, क्योंकि स्वार सीट को जहां सपा ने जीता था वही 96 सीट अपना दल ने जीती थी, मतलब अपनी अपनी एक एक सीट को बचाने की लड़ाई। लेकिन सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा आजम खान की होने वाली है, कैसे इस रिपोर्ट में देखें। हम गया उपचुनाव में प्रचार का शोर, अब वोट से तय होगा हवा का रुख किस ओर। सपा के लिए हिसाब पूरा करने का बड़ा मौका या भाजपा लगाएगी जीत का चौका। यूपी में चल रहे शहरी निकाय चुनाव के बीच पक्ष विपक्ष विधानसभा की अपनी अपनी एक सीट बचाने और दूसरे की कब्जाने की लड़ाई लड़ रहा है। मिर्जापुर की 96 और रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर प्रचार का शोर थम चुका है, अब गेंद जनता के पाले में है और अब सबकी नजर 10 मई को होने वाले मतदान पर टिकी है, क्योंकि इस लड़ाई में सपा से अपना दल एस की सीधी टक्कर हो रही, लेकिन प्रतिष्ठा कहीं न कहीं भाजपा की भी दांव पर लगी है। स्वार और 96 विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया, अब जनता इन दोनों विधानसभाओं में फैसला लेगी कि किसको वो अपना विधायक चुनेगी। आज आखिरी दिन तमाम पार्टियों ने और प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी और अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां की, रोड शो किए। यूपी का सियासी रुख और समीकरण तय करने में उपचुनावों के नतीजे अहम भूमिका निभाते हैं और स्वार का उपचुनाव इसी कसौटी पर कसा जाएगा, जहां सपा के कद्दावर नेता आजम खान अपने आखिरी गढ़ को बचाने की लड़ाई लड़ रहे, क्योंकि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के चलते खाली हुई सीट पर सपा ने अनुराधा चौहान को उम्मीदवार बनाया है। करीब 21 साल बाद पार्टी ने यहां गैर मुस्लिम उम्मीदवार उतारा, अब सपा का हिंदू कार्ड उसके लिए कारगर साबित होगा या अपना दल एस का मुस्लिम दांव सफल होगा, इसका फैसला जनता के वोट से तय होना है। लेकिन जनता को अपने पाले में लाने के लिए किसी भी दल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रचार थमने से पहले जहां पूर्व मंत्री जय कुमार जैकी ने अपना दल प्रत्याशी शफीक अंसारी के लिए वोट मांगे, तो वही सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य सपा प्रत्याशी अनुराधा को जिताने की अपील करने पहुंचे थे। हमेशा से समाजवादी पार्टी की सीट रही है, इस बार भी अब्दुल्ला जी के सम्मान में, श्री आजम खान के सम्मान में यहाँ के लोग समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अनुराधा चौहान को
साइकिल के सामने बंद कर भारी मतों से जिताएंगे। मिर्जापुर की 96 सीट विधायक राहुल कोल के निधन से खाली हुई, जहां अपना दल ने दिवंगत विधायक की पत्नी को उम्मीदवार बनाया। उनके सामने सपन कीर्ति कोल को टिकट दिया, जो राहुल कोल के खिलाफ भी चुनाव लड़ी थी। अपनी जीती हुई सीट को बचाने के लिए भाजपा गठबंधन ने खूब पसीना बहाया है। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और उनके पति और यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल लगातार डेरा जमाए हैं। और प्रचार थमने से पहले सीएम योगी ने भी एक बड़ी रैली कर अपना दल को जिताने की अपील की है। आजादी के 60-65 वर्षों तक जिन लोगों ने देश के अंदर शासन किया, उन्होंने भले ही नारे भले ही दिए हो, लेकिन एक गरीब के लिए, एक नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए उन्होंने अपने स्तर पर जितना प्रयास आजादी के 6-7 दशक में होने चाहिए थे नहीं कर पाए। अब सवाल बड़ा है कि क्या समाजवादी पार्टी उपचुनाव की इस लड़ाई में पुरानी हार का हिसाब पूरा कर पाएगी, या भाजपा गठबंधन की बढ़त फिर एक बार बढ़ जाएगी, क्योंकि स्वार्थ के संग्राम में इस हार जीत की लड़ाई से भविष्य की रूपरेखा भी तय होनी है। क्योंकि यह सीट गठबंधन के खाते में आई तो उसकी सियासी ताकत बढ़ेगी, और सपा के खाते में गई तो आजम परिवार के सियासी भविष्य को संजीवनी मिलेगी। रामपुर से उबैदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात सीबीआई के डिप्टी से अतीक का दोस्तादा, पुलिस कब ढूंढ पाएगी शाइस्ता का ठिकाना? क्योंकि अतीक अहमद और सीबीआई के डिप्टी अमित कुमार की दोस्ती वाले खुलासे ने सियासी भूचाल ला दिया है। उधर शाइस्ता को एफआईआर में माफिया घोषित कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। सीबीआई का अफसर निकला अतीक का मददगार, अब गिरेगी काज। लेडी डॉन से माफिया बनी शाइस्ता, कब कसेगा गिरफ्तारी का शिकंजा? जब से अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई है, तब से एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। क्योंकि अभी एक दिन पहले ये बात सामने आई थी कि फोन पर अतीक और उमेश पाल की बहस हुई थी। अब उस खुलासे के बाद जो नया खुलासा हुआ है, उसने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी की भी नींद उड़ा दी है। क्योंकि अब अतीक के अपराध की दुनिया से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। क्योंकि जिस राजूपाल हत्याकांड में उमेश पाल सबसे बड़ा गवाह था, उस केस में सीबीआई का डिप्टी अमित कुमार अतीक की मदद कर रहा था। इसी की शिकायत यूपी सरकार के अभियोजन विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से की है, जिसकी कॉपी एबीपी गंगा के पास मौजूद है। अतीक अहमद से दोस्ती निभाने के फेर में सीबीआई का एक बड़ा अधिकारी मुश्किलों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। इस अधिकारी का नाम अमित कुमार है और ये सीबीआई में डिप्टी एसपी के पद पर कार्यरत हैं। यूपी के अभियोजन विभाग ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय और साथ ही साथ कार्मिक मंत्रालय में इस अधिकारी के खिलाफ शिकायत की है, गंभीर मामला बताया है। और साथ ही साथ इस बात की सिफारिश भी की गई है कि अमित कुमार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में यह लोक सेवा किसी दूसरे अपराधी के मदद ना कर सके। दरअसल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।